हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज वीडियो को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके लिए वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे से वचन के द्वारा बनाया है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जिसका आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई जानता है कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और बादलों पर आएंगे तब वो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे जो पवित्र जीवन जीते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी काम आज के समय में मसीह लोगों के लिए क्या है कि वो पवित्र जीवन जिए, अपने जीवन को परखे देखे। इसीलिए बड़े ध्यान से आज को वीडियो को देखें। मैं आपको कुछ बातें वचन से बताने वाला हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंच सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत जल्दी होने वाला है। हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग सिर्फ वही यीशु मसीह के संग जाएगा जिसने पवित्र जीवन जिया है। और इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारे लोग सताए जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। शैतान का जो समय है ना, लूसीफर का समय बहुत कम रह गया, बहुत थोड़ा समय उसके पास रह गया है। इसीलिए वो आप लोगों को अपने चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, परेशानियों को लेकर आ रहा है, और आपको बुराइयों में रख रहा है ताकि आप परमेश्वर के वचन से दूर रहो, अपने ही समस्याओं में उलझ कर रह जाओ, और परमेश्वर का जो सच्चा वचन है वो आप तक ना पहुंचे। यही शैतान की चाल है। इसीलिए आपके जीवन में बार बार परेशानियों को वो लेकर आता है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखो कि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो शैतान उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भी आप परेशानी में पड़ो तो याद रखो, आप प्रभु को याद करो, परमेश्वर को याद करो, वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आपके हर एक चाल चलन पर परमेश्वर की नजर रहती है। आप ये मत सोचो कि मैं जो कर रहा हूं उसे कोई नहीं देख रहा है। शैतान आपको भरमा देता कि भैया पाप कर ले, भैया ये व्यभिचार कर लो, ये लड़की सुंदर है इसको देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने से क्या फर्क पड़ रहा है, तू कोई से छेड़ने थोड़ी जा रहे हो, तुम कोई से मजाक करने थोड़ी जा रहे हो, चलो एक बार देख लो। जब आप कहीं बाहर जाते हो, कोई सुंदर सी लड़की दिख जाती है, कोई सुंदर सा लड़का दिख जाता है, तब आपके मन में शैतान डालता है कि देखो इसको देख लो, कोई बुराई नहीं है, देखने में क्या बुराई है। देखो, परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है किसी पराई स्त्री को देखना गुनाह है, पाप है, व्यभिचार है। इसीलिए याद रखो, शैतान आपको ये कहेगा ऐसा कर ले इससे कुछ नहीं होगा। जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा से कहा था कि शैतान इस फल को देख ले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वहां पाप हुआ। उसी तरह आज भी शैतान लोगों को भरमा रहा है और उन्हें पाप में डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आप फंस जा रहे हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो पाप से बचने की, लेकिन बच नहीं पा रहे, व्यभिचार से बच नहीं पा रहे हो, तो याद रखो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर नीति वचन उसके 5 अध्याय उसके 21 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वह साफ रीति से लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो मार्ग है वो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि से छुपे हुए नहीं है, और वो उसके सारे मार्गों को ध्यान करता है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप क्या खाते हैं, पीते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसी आपकी दृष्टि है, कैसे मन में विचार लाते हैं, सब कुछ परमेश्वर को पता है। इसीलिए परमेश्वर को खुश करने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को मानो। थोड़े दिन अगर आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, थोड़ी दिक्कतें मुसीबतें आती हैं, तो याद रखो कि अनंत जीवन आपका है। शैतान को खुश करना छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। आज के समय में बहुत सारे लोग शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं। देखो, शैतान उन्हीं को सताता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में दिक्कतें परेशानी बढ़ गई हैं यीशु मसीह के साथ चलने के कारण, चर्च जाने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, तो आप समझ जाओ कि शैतान आपसे चिढ़ रहा है।
इसीलिए आप शैतान को खुश करने के लिए उससे भागो मत, मतलब उसका सामना करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप शैतान का सामना करोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा तो वो हार जाएगा। आपको शैतान को हराना है और वो तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो और वैसे ही चलो। और परमेश्वर अगर आपको ताड़ना देते हैं, अगर आपको परमेश्वर कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में डालते जिससे कि आपको दुख हो रहा हो, तो उस ताड़ना को सह लो, क्योंकि इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की ताड़ना सहने वाला धन्य है। नीति वसन 3 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वह आपको डांटे उससे बुरा नहीं मानना। कई बार परमेश्वर आपको डांटते हैं, कई बार परमेश्वर आपको छड़ी लगाते हैं। जैसे माता पिता के बच्चे, जब बालक छोटे बालक बिगड़ते हैं तो माता पिता उनको छड़ी भी लगाते हैं, डांटते भी हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा आत्मिक स्वर्गीय पिता है। जब हम आप और हम पाप में गिरने की और बढ़ते हैं, शैतान हमें भरमाता है और हमें गड्ढे की ओर लेकर जाता है, आपको गड्ढे की ओर लेकर जाता है, तब परमेश्वर आपको छड़ी लगाता है, डांट लगाता है, आपके जीवन में ऐसे काम को आने देता है जिससे कि आप लौट कर परमेश्वर के पास आ जाओ। तो उसका बुरा नहीं मानना कि पहले मेरे पास ये सब था, अब मैं बर्बाद हो गया हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। इससे आपका भला ही होना है। अगर परमेश्वर आपको डांटता है तो वो आपसे प्रेम करता है। 12 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उसे उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे एक संसारिक पिता अपने उस बेटे को ज्यादा डांटता है जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बिगड़े और उसका भविष्य खराब हो जाए, इसीलिए वो डांट भी लगाता है, छड़ी भी लगाता है। इसी प्रकार परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में दुख मुसीबतें बढ़ रही है, अगर परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में मुसीबतें आने का इजाजत परमेश्वर ने शैतान को दिया है कि जाए और आपके जीवन में परीक्षा करे, तो याद रखो कि आपको परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप बिगड़े। वो जानते कि अगर आप मुसीबत में होकर चलेंगे तो आप ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर पर आशीर्वित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अंत का समय है। इस समय आपको खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं जांचोगे तो यीशु मसीह जब स्वर्ग से आएंगे उसके साथ आप स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जाओगे। ये ध्यान रखना, किसी बड़े चर्च के मेंबर हो, किसी अच्छे पास्टर के कलीसिया के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु के संग वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जिसने बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जिया है, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चला है, वो ही व्यक्ति केवल स्वर्ग में जाएगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और याद रखें कि परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपके हर बातों पर नजर रखते हैं। आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं, आप छुपकर क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इन सब बातों को परमेश्वर जानता है। इसीलिए इन सब बातों के द्वारा भी पाप ना करें, ये ना सोचे कि मैं देख रहा हूं, परमेश्वर को थोड़ी पता मेरी आंखें क्या देखती हैं। परमेश्वर को पता है आपकी आंखें क्या देखती हैं, परमेश्वर को पता है आपके मन में क्या चल रहा है। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए, परमेश्वर गुप्त बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज समय है अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप शैतान के चंगुल में फंसेंगे और शैतान आपको पाप में गिराएगा, और जिसका परिणाम आपके जीवन में यह होगा कि आप एक मसीह जीवन जीते हुए भी नरक में डाले जाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो और उसके अनुसार अपने जीवन को जांचो, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है।